इसका आप दोनों में फासला इतना ही बरकरार रहेगा बाय द वे या थोड़ा कमी? आप चाहते हैं कि शो कंप्लीट हो जाए? मैं चाहता हूं कि इस फासले को रहने दें, इस फासले को रहने दें। नहीं नहीं नहीं, ये फासला नहीं है, सेफ्टी है। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं नहीं, उधर 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 उधर, हाँ हाँ, मैं ये दोनों दोनों, वन टू चल, चल, हमेशा की तरह मैंने पहल की है। आज मैं हो चुकी हूँ पहले, ये हर दफा कॉम्प्रोमाइज पहले मैं करता हूँ। अच्छा एक बात बताए, एक बात बताए, माशाल्लाह आप दोनों की इतनी ये जबरदस्त ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री तो सब देख ही रहे हैं, ऑफ स्क्रीन भी ये जो फायरवर्क्स हैं, आपको याद है आप दोनों पहली बार मिले कब थे? जी जी बिल्कुल, उम्मीद तो नहीं के सेट पे। हाँ तो क्या पहला इंप्रेशन क्या था यमुना आपका वहाज को लेके? मुझे लगता था कि बड़ा कुछ उदास सा है, कुछ सैड है वहाज। क्या है इसके साथ? मैंने यासरा से सबसे मैं पूछती थी इसको क्या हुआ है, क्यों ऐसा, मैंने इससे भी पूछा, फिर से कहा नहीं मैं तो बस फराज की शायरी पढ़ सुनाता हूँ। किसी ने कहा था कि यमुना ऐसे इंप्रेस होंगी, ये बातें करो उदास रहो, शायरी नहीं जी, सॉरी मैं उदासी से कोई इंप्रेस नहीं। मुझे तो किसी ने कहा था। बात तो बताएं, आप यमुना को इतना इंप्रेस कर क्यों रहे थे भाई? यमुना मुझे हमेशा से पसंद थी। अच्छा, बिल्कुल, इतनी अच्छी एक्ट्रेस हैं और मैं काम करने के लिए बहुत एक्साइटेड था इनके साथ। लेकिन हाँ। फिर मुझे पता लगा, मैंने कहा तेरे बिन में वहाज सही रहेगा, बिल्कुल परफेक्ट है वहाज को। मुझे प्रोडक्शन ने कहा कि हम वहाज को इसके लिए कंसिडर कर रहे हैं, मैंने कहा बेस्ट। मैंने फटाफट, मैं अमेरिका में बैठी हुई थी, मैंने वहाज को कॉल मिलाई, सबसे पहले तो देखना पड़ता है टाइम और ये वो, तो वहाज ने कहा हाँ मुझे आया हुआ है स्क्रिप्ट। तो तेरे बिन जब स्क्रिप्ट आया हमारे पास तो यमुना का बहुत वोट था कि हमें करना चाहिए, मेरा बहुत वोट था, बहुत वोट था, बिल्कुल बिल्कुल। और मैं वहाज से बार बार कही थी, वहाज देखो पूरा पढ़ लो, सिर्फ मेरे कहने पे मत करो, बट वहाज से पूछे कि इसने पूरा पढ़ के किया था। नहीं मैंने पूरा नहीं पढ़ा था, नहीं मुझे मेकर्स पे ट्रस्ट था, यमुना पे ट्रस्ट था और रिजल्ट आप सबके सामने। अच्छा, मैंने कहा यार तू बहुत सुकून से गुजरने वाला है और यू नो चाहे जो भी होगा मेरे को एक्टर तो बड़ा अच्छा, पहला दिन भी अच्छा गुजर गया था हमारा। हाँ हाँ, पहला दिन भी अच्छा, और फिर तेरे दिन में तो इसने मुझे इतना तंग किया है, मैं मीरव क्या ही तंग कर रही होगी मुर्तसिम को बाय द वे, जो इसने तंग किया है मुझे। मैंने सुना कि आपका जीना हराम कर दिया था वहाँ। भाई मैं कहती हूँ हर सीन से पहले हमारी लड़ाई हुई हर सीन से पहले। वजह ये जो लोगों को बड़ी केमिस्ट्री पसंद आ रही है हर सीन से पहले। अच्छा वैसे बाय द वे ना इसका मिजाज ऐसा है लड़ने वाला ना मेरा। अच्छा वहाँ आपका है, अब देखो जरा देख ले क्यों लड़े थे भाई आप दोनों? यमुना कि अपना क्रिएटिव उनका इनपुट डिफरेंट होता था, मेरा डिफरेंट होता था। हाँ। तो बस उस पर जब हम एक चीज़ पे नहीं आमादा हो पाते थे और कोई हमें आमादा करवा भी नहीं पाता था तो बस लड़ाई हो जाती थी। और बहुत सीन जैसे हैं जो हमने कोई उसकी सीआर नहीं की। हाँ। दोनों बात भी नहीं कर रहे, पूरा पूरा दिन बात नहीं कर रहे, मतलब रिहर्सल नहीं की। कोई बात नहीं हुई हमें, कोई उसकी कम्युनिकेशन नहीं है और हमने सीन्स परफॉर्म किए। मैं आई फील ग्लैड कि मुझे ऐसा लगता था कि हर जो चीज़ गलत हो रही है वो इसकी वजह से हो रही है। हर बात का इल्ज़ाम ही कहता था यमुना, इसका भी इल्ज़ाम तो मुझे दे रही हो। अच्छा दूसरा ये कि ये मेक श्योर करता था कि अगर इसका आई लाइन पंखे की तरफ है तो ये चाहता था कि मैं पंखे पे लटक जाऊं। तो बहुत ऐसी अनकंफर्टेबल अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। हां वो कहता था नहीं मुझे देखना है, लेकिन उसके बावजूद मैं अगर ऐसी कोई तंग जगह भी होती थी तो आपके लिए आता था। हां ये तो है। अच्छा वैसे एक बात बताएं, आप दोनों की दोस्ती जाहिर है एक पहले प्रोजेक्ट पे हुई, फिर दूसरा प्रोजेक्ट करने तक आपस में बातचीत होती थी एक दूसरे के साथ? वर यू गाइस इन टच, एक दूसरे का काम देख रहे थे, पसंद कर रहे थे क्या, एक दूसरे को फीडबैक पहुंचा रहे थे या नहीं? हाँ बिल्कुल, वहाज का जो एक प्रोजेक्ट था जो बिछड़ गए उसका स्पेशली वहाज ने कहा था कि बहुत कम प्रोजेक्ट्स का कहता हूं और मैंने स्पेशली उनको फीडबैक दो, देखिएगा मेरा इरादा। अच्छा वहाज ने बकायदा मांगा आपसे फीडबैक? हां उसने कहा कि फर्स्ट 3 एपिसोड्स देखो, फीडबैक दो। और ये कि ऑन एंड ऑफ वैसे प्रोफेशनल डिसीजंस और चीजों में मैं सिर्फ राय लेती हूं। मैंने कहा ये ना कह दे कि इनकी जो कहते हैं कर देती हूँ ताकि नहीं राय लेती हूँ तो क्योंकि ये इतनी भी मासूम नहीं है, खासा जी खासा जी। एक तो स्मार्ट और इंटेलिजेंट है और अच्छा ऑनेस्ट बहुत है, ऑनेस्टी इसकी सबसे की है का मतलब जो इनकी जो स्क्रिप्ट परखने की सेंस है वो आप कह रही है? नहीं नहीं वो बिल्कुल नहीं है, वो इन्हीं की अच्छी है, उसको बाद में बेहतर करने की सेंस मेरी अच्छी है। हिडन टैलेंट है कि डायरेक्टर भी हैं ये? जी जी डायरेक्टर भी हैं और ऐसे। तो जब आप लोगों को एक और मौका मिला एक साथ काम करने का
तो वहाज व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन जब आपको पता चला कि आपके अगले प्रोजेक्ट में यमुना ही आपके साथ काम करेंगी? देखिए एज एन एक्टर मुझे अच्छा ही फील होता है क्योंकि यमुना एक बेहतरीन अदाकार है, किसी भी अच्छे एक्टर के साथ काम कर रहे होते हैं तो एक एडवांटेज ही होता है कि आपको सिर्फ रिएक्ट करना है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है, एफर्ट नहीं डालनी, तो बिल्कुल आई वाज वेरी कंफर्टेबल। और आपको जब पता चला कि वहाज हैं आपके साथ? अच्छा वहाज का मुझे ऐसा लगता है कि अब तक इस तरह का कोई भी कैरेक्टर नहीं आया था, तो ये एक बड़ा रिस्की था कि वहाज इस तरह का कैरेक्टर करे, क्योंकि इसका बड़ी सॉफ्टनेस सी है चेहरे पे और बड़ा मासूम सा चेहरा है इसका, तो वो एक ऐसा गुस्से वाला कैरेक्टर करना जो कि मुझे ऐसा लगता है कि वहाज ने तो लोगों के दिलों में घर कर लिया, इतना अच्छा किया, इतना अच्छा किया। सो बस मुझे सिर्फ ये हो रहा था कि बस वो कैरेक्टर और मैं और ये इस कैरेक्टर में सही लगें, तो ये था। मैं बार बार वहाज से कहती थी और वहाज का ऐसा होता था एटीट्यूड के हाँ ठीक है, सही है, देख लेंगे, हाँ पढ़ लूँगा, हाँ मैंने पढ़ा नहीं, और मुझे बहुत होता था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये वो बच्चा है जो कि मेरे बारे में कहते थे, मेरे को एक्टर्स, कि वो कहते थे कि जो पेपर से पहले कहते नहीं नहीं हमने कोई तैयारी नहीं की हुई, और फिर जो है ना टॉप, नहीं मैं बिल्कुल भी कोई तैयारी नहीं, टॉप करते हैं वो पेपर्स आते हैं। सो वहाज ने डेफिनेटली मेरे लिए सरप्राइज था। यमुना की वजह से मुझे बहुत हेल्प मिली क्योंकि किसी भी किस्म की एफर्ट नहीं करनी पड़ी परफॉर्मेंस में, किसी भी चीज़ में, किसी भी एक्शन का जो रिएक्शन है बहुत नेचुरल आया। आई थिंक यमुना को भी हेल्प मिली होगी। बिल्कुल।